अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अ मॉक पेशेंट ऑफ टोसिस। हमारे पास इतने पेशेंट आ नहीं रहे थे आजकल, तो इसलिए मैंने कहा कि एक मॉक पेशेंट पे ही कर लें। तो जस्ट यू नोट डाउन कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह एग्जामिनेशन होता है, तो इस तरह हम जो है इसको प्रोसीड करते हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सफदर है, मैं क्लास शिक्षा दे रहा हूँ। चंद सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा मुआयना करूँगा, इजाजत है? जी सर। क्या नाम है आपका? अमीन। अमीन साहब, क्या उम्र है आपकी? 38। 38 ईयर्स उम्र है, ठीक है। किस मसले से आना हुआ? ये आँख पे बंद होती है। कौन सी वाली आँख? लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। एक ही आँख में मसला है, खुलती नहीं है प्रॉपर। जी सर। तो ये कब से मसला है? ये पैदाइशी पैदाइशी। नज़र ठीक आता है? नज़र से। ज़्यादा पानी वानी तो नहीं आता आँख से? रात को सोते हैं तो आँख बंद ही रहती है। जी सर। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आपको जो इस तरह तो नहीं होता कि आधा चेहरा आपको खुश्क हो गया हो? नहीं सर। तो हॉर्नर सिंड्रोम में उसके आप जरूर सवाल पूछ लें। अच्छा, इसके अलावा आपको इस तरह तो नहीं होता कि सुबह कम मसला हो, शाम को ज्यादा हो गया हो, या रात को ज्यादा बढ़ जाए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपके मायस्थेनिया ग्रेविस के सवाल है। क्वेश्चन तकरीबन यही है, एक आप ये पूछ लें कि कोई ट्रीटमेंट तो नहीं करवाई? नहीं सर। ठीक है, तो ये जस्ट क्वेश्चन है। ये आप दो तीन क्वेश्चन पूछ के भले आप पूछें, इंस्पेक्शन शुरू कर लें, आप एग्जामिनेशन शुरू करें टू सेव योर टाइम। उसके बाद आप इंस्पेक्शन करें। इंस्पेक्शन पे जस्ट आप जो है ऊपर फोरहेड से फिर आईब्राउज आप देखें किस लेवल पे हैं, कि ब्राउ टोसिस तो नहीं है। फिर जो है दोनों साइड पे कंपेयर करेंगे, यूनिलेटरल टोसिस है या बायलेटरल है, और लिड भी आपको देखना होगा। उसके अलावा कोई स्कार वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और उसमें जब आप सामने बैठे ही हैं तो जॉ ब्लिंकिंग करवा दें, ठीक है, ऐसे करो। तो इसमें जो है सिंकाइनेसिस होती है, तो वो आँख उसकी बंद होगी या खुलेगी। फिर आप पीछे से जाएँ और ऊपर से एक दफ़ा देख लें कि इन ऑप्थेल्मोस या एक्सोप्थेल्मोस इस तरह तो नहीं है कोई चीज़, ठीक है। तो ये आपने जब देख लिया तो फिर आपने एग्जामिनेशन जो करना है तो उसमें सबसे पहले मेजरमेंट्स करनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हो सकता है आपको वो रोक ही देता कि आपने मेन मिस्टेक कर लिया है। तो मेजरमेंट्स आपको जो करनी है उसमें आपको किस तरह करना है कि यू हैव टू टेक ट्रांसपेरेंट स्केल। ट्रांसपेरेंट स्केल आपको उल्टा रखना है, 0 मिलीमीटर नीचे आना चाहिए। और आपको जो भी मेजरमेंट्स करनी है वो पहले नॉर्मल साइड से करनी है और फिर एबनॉर्मल साइड से करनी है, और दोनों साइड से हमेशा कर रहे हैं। इसका लेफ्ट साइड है तो हम जो है राइट से शुरू करेंगे। क्या क्या चीज़ें देखनी होती है? पैल्पेब्रल फिशर पहले देखना है। पैल्पेब्रल फिशर में नॉर्मल गेज ही आप पीछे ही देखें, ठीक है। नॉर्मल गेज हो आप डिस्टेंस बिटवीन टू आईलिड्स जो है देख लें कितना है, ठीक है। पैल्पेब्रल फिशर देख लें। उसके बाद आपको अपर आईलिड क्रीज देखना है, जो इसमें 2 मिलीमीटर और 2 to 3 मिलीमीटर नॉर्मल होता है, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ी अपर आईलिड होडिंग भी है इसकी ना, और नॉर्मली अगर आप इसको थोड़ा कंपेयर करें तो इसकी माइल्ड प्टोसिस शायद है भी, ठीक है। तो इसके बाद जो है डिग्री ऑफ प्टोसिस आपको काउंट करनी होती है। डिग्री ऑफ प्टोसिस क्या होता है कि अपर लिम्बस से कितना आईलिड ने डिसेंड किया हुआ है। तो इसमें इसमें विजिबल तो नहीं, लेकिन किस तरह मेजर की जाती है कहीं बुक में लिखा हुआ नहीं है। तो उसमें आप जो है जो आईलिड का मार्जिन है नॉर्मल गेज पे उसको आप 0 पे रखें, जूम करना, ठीक है, 0 पर रखें। और उसके बाद आप पैसिवली अपर आईलिड को ऊपर उठाएं अप टू लिम्बस। आप लिम्बस देख लें कितने डिस्टेंस पे है। इस पे जितना मुझे लग रहा है 2 to 3 mm तक, 2 mm लग रहा है साइड, ठीक है, जो नॉर्मली होता भी है। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये हमने 0 पर रखा है, फिर आपने पैसिवली इसको उठाया और लिम्बस तक देखा तो तकरीबन 4 mm है। तो ये माइल्ड डोसेज तकरीबन इसको है भी, मॉडरेट ही हो जाएगी 4 mm में। तो इसके बाद जो है आपने लिवेटर फंक्शन देखना है। लिवेटर फंक्शन में यू ब्लॉक द फ्रंटलिस, और उसके बाद जो है यू आस्क द पेशेंट नीचे देखे, डाउन गेज करे, क्लोज नहीं करे टाइटली। नीचे देखो, बिल्कुल नीचे देखो, ठीक है, अब नीचे देखो बिल्कुल। तो आप आईलिड के मार्जिन को 0 पे रखें, अब ऊपर उठाओ, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 13 mm या 12 mm का है जो नॉर्मल है। इस साइड पे भी आप ब्लॉक करें, नीचे देखो 0 पे रखें, ऊपर देखो, ठीक है। तो आपने वो इस साइड पे भी 12-13 mm। तो मेजरमेंट सिर्फ यही होती हैं। उसके बाद जो है आपने आई का दूसरा एग्जामिनेशन, जो आई रिलेटेड है, तो फिर आपको ऑप्टिक नर्व और दूसरी ऑक्यूलोमोटर और दूसरी नर्व भी देखनी होगी। तो ठीक है, तो इसमें आप सामने ही देखें, लाइट रिफ्लेक्स आप देख रहे हैं, क्यूपिड रिफ्लेक्स। उसके बाद देख लें कि जस्ट आप विजन काउंट कर लें, ये कितने हैं? 3, ठीक है। ये कितने हैं? 4, ठीक है। उसके बाद जो है आप मूवमेंट्स देख लें, इसको फॉलो करें, ठीक है। आप जिक्र करेंगे आई वुड लाइक टू डू शिमर्स टेस्ट, लेकिन आप भले ना करें। इसमें आपको आईलिड में जो है आपको
बेल्स रिफ्लेक्स या बेल्स फेनोमेना देखना है। अच्छा, आप आंख बंद करने की कोशिश करें, बंद करें, बंद करें, ठीक, तो बेल्स फेनोमेना। उसके बाद आप डोनर साइड देख लें, इसकी ऊपर देखने से तो फ्रंटलिस आप पैलपेट कर लें, ठीक है, बस ठीक। इसके बाद फेस पे स्किन एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, फिर आप डोनर्स इसके देख लें, जिसमें फ्रंटलिस आपने देख लिया। आप किस हाथ से काम करते हैं? लेफ्ट, राइट से, तो आप लेफ्ट हैंड में देख लें, राइट हैंडेड है, तो इसकी पामर्स लॉन्गेस्ट आप देख लें, इसको मोड़ें से अंदर, ये एक डोनर है। आइडियली तो आप DFL यूज करते हैं, तो ये भी आप देख लें, उनका अक्सर कहते हैं कि आपने ये देखा, ठीक है, इसको छोड़ दें। अब आप उठने की कोशिश करें, लेटरली आप थाइस पे टच करके उठने की कोशिश करें, जो टाइट होती है DFL, बस बैठ जाए। दिस वॉज द ऑल एग्जामिनेशन ऑफ टोसिस, एंड जो है इसी तरह होता है, इट्स वेरी ईजी, तो यू कैन डू इट इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू।